बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद शहर का वाकया है। एक नेक खातून रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर रोज़ इफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती और उनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और कहते, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। इस खातून का शौहर हंसता और कहता, अपने घर की बात तो समझ आती है लेकिन ये घर के आगे नहर होने का क्या मतलब? इस सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी उसे जवाबन कहती, आपको इससे क्या गरज? ये हमारा और अल्लाह ताला का मामला है, आप बीच में मत आइए। वो रब तो कहता है मुझसे जो मांगो मैं अता करूँगा, हम तो जो जी में आएगा मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। गरज वो इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करती और ख़ुद भी दुआ करती और बच्चों से भी करवाती। रमज़ानुल मुबारक बीत गया। एक दिन उसके शौहर ने कहा, अब बताओ कहाँ है तुम्हारा अपना घर और कहाँ है वो नहर? खातून ने बड़े यकीन से जवाब दिया, अल्लाह ताला हमें हमारा घर ज़रूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। इससे अगला वाकया वो ख़ुद बयान करती हैं और कहती हैं कि मैं शव्वाल के 6 रोज़े रख कर फारिग हुई थी कि एक रोज़ बड़ा अजीब वाकया पेश आया। मेरे शौहर असर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज के एक अमीर आदमी ने उनका रास्ता रोका। मेरे शौहर उन्हें जानते तक ना थे। उस आदमी ने इन्हें सलाम किया और कहा, मेरे पास एक घर है, आधे घर में तो मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ मगर घर का दूसरा निसफ हिस्सा खाली पड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपने फजल व करम से बहुत नवाजा है, हमें इस आधे घर की ज़रूरत नहीं। आज इस इरादे से घर से निकला था कि नमाज असर के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को मैं वो आधा घर हदीयतन दे दूंगा। यूं आपसे मुलाकात हुई तो गुजारिश है कि मेरा आधा घर हदीयतन कबूल फरमाएं। बिला कीमत मकान लेते हुए हमें तरद्दुद हुआ। वो साहब कहने लगे, अगर आपकी तसल्ली कीमत दिए बगैर नहीं होती तो जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हैं दे दीजिए। खैर, हमने कुछ अपने पास और कुछ इधर उधर से जो रकम इकट्ठी की वो कमोबेश 8000 रियाल बन गए। वो रकम हमने उस आदमी के हवाले कर दी। अब हम उस आधे मकान के मालिक बन गए थे। मकान रियाज शहर के एक मॉडर्न इलाके में वाक़े था। सच है कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है अल्लाह ताला भी उसकी पुकार ज़रूर सुनता है। लेकिन एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था। मैंने अल्लाह से जो घर मांगा था उसके आगे नहर होनी थी। मकान तो मिल गया पर उसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। मैंने अल्लाह से नहर किनारे घर मांगा था, घर तो मिल गया लेकिन नहर नहीं मिली। उन आलिम दीन को मेरी दुआ और मेरे ईकान कबूलियत पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, इस वक्त आपके घर के सामने क्या है? मैंने कहा, इस वक्त हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलिम दीन मुस्कुराए और फरमाया, ये नहर ही तो है। फिर उन्होंने मेरे सामने ये हदीस मुबारका बयान की कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि आदमी का घर नहर किनारे हो और वो उसमें रोज़ाना 5 मरतबा गुसल करे तो क्या उसके बदन पर मैल कुचैल रहेगा? सहाबे कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने जवाब दिया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, उसके बदन पर मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है, इनके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा डालता है। मेरी आँखों से खुशी और तशक्कुर के आंसू रवा थे, बेशक मेरे रब ने नहर के सामने घर अता कर दिया था।